फटाफट हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। कर्नाटक में विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे चार कांग्रेसी विधायक, नोटिस जारी। कर्नाटक में शक्ति प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक की। कांग्रेस ने इन विधायकों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। पीएम पद की उम्मीदवारी पर घिरे डीएमके चीफ स्टालिन, बीजेपी ने पूछे सवाल। डीएमके चीफ स्टालिन से जब इस बाबत रविवार को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के अपने रुख पर कायम है। इस पर तमिल साई सुंदर राजन ने सवाल पूछा कि अगर स्टालिन अपने रुख पर कायम है तो उन्होंने कोलकाता में 22 दलों की मेगा रैली में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का प्रस्ताव क्यों नहीं दिया। सेना प्रमुख बिपिन रावत बोले, भविष्य के युद्ध साइबर क्षेत्र में लड़े जाएंगे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि उत्तरी सीमा पर हमारा विरोधी चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर युद्ध पर काफी पैसे खर्च कर रहा है, हम पीछे नहीं रह सकते। पीएम के बचाओ बचाओ बयान पर राहुल बोले, 100 दिन में मोदी सरकार से मिल जाएगी आजादी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि बेरोजगार युवाओं, संकटग्रस्त किसानों, वंचित दलितों और आदिवासियों, सताए गए अल्पसंख्यकों, बर्बाद हो गए छोटे व्यापारी मोदी सरकार से आजादी की गुहार लगा रहे हैं। सीआईआई की रिपोर्ट, प्रयागराज कुंभ से भर जाएगा योगी सरकार का खजाना। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने अनुमान लगाया है कि इस कुंभ में आयोजन से उत्तर प्रदेश सरकार को 1200 अरब रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। अमित शाह के हेलीकॉप्टर को मालदा में उतारने की ममता सरकार ने नहीं दी इजाजत, बड़ी तकरार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मालदा में होने वाली रैली से पहले उनके हेलीकॉप्टर को जिले के हवाई अड्डे पर उतारने की अनुमति देने से स्थानीय प्रशासन ने मना कर दिया है। मायावती पर अमर्यादित बयान के बाद साधना सिंह ने मांगी माफी। चंदौली के मुगलसराय से बीजेपी विधायक साधना सिंह ने एक पत्र जारी कर कहा कि उनकी मंशा किसी को अपमानित करने की नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो वे खेद प्रकट करती हैं। फटाफट हेडलाइंस में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए देखते रहिए तहलका न्यूज़।